नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात, जय गोमरस में आपका स्वागत है। इस समय बड़ी खबर लेके आ रहे हैं, भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से चोरी की वारदात हुई है, जिसकी खबर इस समय जानकारी प्राप्त हो रही है। आप सभी के समक्ष सीधा दृश्य साझा कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप देख सकते हैं फार्मेसी काउंटर है यहाँ पे, और फार्मेसी काउंटर के यहाँ पे ग्रिल को तोड़कर अंदर प्रवेश कर काफी सामान यहाँ से चोरी हुआ है, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है। हम लोग यहाँ से सीधा तस्वीरें आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्रिल को किस तरह से यहाँ पे काटा गया है ताकि कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सके। आप देख सकते हैं इसे काटा गया है। आप ये दृश्य देखें, आप देख सकते हैं ग्रिल को काट कर अंदर प्रवेश किया गया है। आप देख सकते हैं, और इसी के अंदर प्रवेश करके अंदर गया है, और अंदर जो कि सूचनाएं मिल रही है, कुछ सामानें चोरी हुई है, जिसका हम लोग जानकारी अभी लेंगे। यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई है वैसे ही हम लोग आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य साझा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। इस समय की बड़ी खबर, जयगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चोरी की वारदात हुई है, और फार्मेसी काउंटर के यहाँ पे ग्रिल काट कर चोर अंदर घुसकर काफी सारा सामान जो है अंदर से चुरा ले गए हैं, जो कि सूचनाएं प्राप्त हो रही है। हम लोग अधिक जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे। दाजु तपाई के गर्नुहुन्छ? हजुर, के जानकारी पाए तपाई? मलाई चाहिँ अब टोइलेटमा आएको थिए सर्ट गर्नको लागि। हजुर, त्यतिखेर ऊ माथि सब्जी बिक्री गर्छ दिदी। हजुर, त्यो दिदीले भने कि यहाँ त तोडफोड गरेछ त। हजुर, भनेर भन् कहाँ तोड्यो भनेर, यो तार हेर्दाखेरि त नभन्दै यो अब तोडफोड गरेर फालिरहेको छ। हजुर, अन्त मैले त्यो ठिकै फेरि अब यहाँ त स्टाफ आकाश भाइ आकाश भाइलाई कल गरेर मैले भने, ठिकै उहाँ पनि आउनुभयो, के हरायो के भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यसको जानकारी थानामा दिनुभएको छ? हजुर, यहाँ शरण साथी पनि रहेछ। शरण साथी, तिमी त थानामा बेसी म हेर्छु, थानामा यसको जानकारी भइसकेछ? हजुर, यो स्टाफले भन्नु सक्छ। और आप देख सकते हैं इस समय दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं, और आगे एक जाली लगाया हुआ था उससे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हटाया हुआ, यहाँ पे रखा हुआ है। ये दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं, ये दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। त्यो भाई कहाँ गए थे भाई? और हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं यहीं पे। आप यहाँ पे काम करते हैं? क्या काम करते हैं? अच्छा, अंदर क्या क्या हुआ है, आपको क्या पता है? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, तो यहाँ पे जो वाटर टैंक बन रहा है वहाँ पे सुविधा रखा गया है, हमको फोन किया, क्या देखा कि इसका जानकारी थाना प्रशासन को दिया है, पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है? दिया हुआ है। अच्छा, केवल मॉनिटर वगैरह क्या? कब? चार एसी पहले भी चोरी हुआ? कोई कुछ नहीं किया, हम लोग उसको भी रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद फिर मोटर भी चोरी हो गया, उसका भी तार वगैरह मोटर चोरी, फिर बनाया गया, हम लोग हाल ही में बनवाया हम लोग। तो ऐसा चोरी पहले भी हो चुका है? ऑलरेडी दो बार चोरी हो चुका है, लेकर तीन बार हो गया। अच्छा, रात में यहाँ कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता, यहाँ 2 बजे बंद हो जाता है। पीएचई का चौकीदार यहाँ पीछे?
वाटर टैंक बन रहे हैं वहाँ, मतलब उन्होंने मतलब जो भी ये वाटर टैंक बना रहा है उन्होंने इनको चौकीदारी के लिए रखा गया है। पीएससी से कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पे, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई नाइट गार्ड कुछ नहीं जी। दाजु तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, के सुन्नुमा आया? सुन्दैछु यहाँ हाम्रो हस्पिटल भएको एउटा हस्पिटलको पनि यस्तो हालत छ, यहाँको केटाहरूको त्यही अब यत्रो गभर्मेन्टले गरिदिइरहेछ तर पनि हेर केटाहरूले बिगार दिँदैछ के चोरी भयो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, भर्खर सुने भन्दैछ भित्र पसेर कम्प्युटरहरू मोनिटरहरू लगेछ भने यस्तो अब यहाँको यति साह्रो घटिया अब के भन्नु सिक्युरिटी भएको हो कि यहाँ मान्छेले मन दुख्छ नि, गभर्मेन्टले यति हेल्प गरिरहेको छ यहाँ अरू मान्छेहरूलाई कति दुःख हुन्छ यहाँ भएर भनेर अब हस्पिटल कति दिन बन्द हुन्छ यसले गर्दा, बिमारीहरू आउँदाखेरि यहाँ अब दुःख हुँदैन अब यहाँ हेरेर काटेर रातभरि बसेर काटेको छ अन्त यसरी फ्लोरहरू भेटेछ भने चाहिँ यिनीहरूलाई अब जयगाउँ थानालाई चाहिँ अब एउटा रिक्वेस्ट गर्छु यो चोरहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ पक्रियो हालोस्, किनकि यस्तो अब जयगाउँको हालत भयो भने हामी यहीँ गोपीमनमा बस्छ, हाम्रो बाबाआमाहरू बिमारी हुन्छ, कतिजना बिमारी भएर आएको हुन्छ कि यस्तो हालत चाहिँ अब हस्पिटल बन्द हुन्छ, हस्पिटल बन्द भएपछि कसलाई दुःख हुन्छ भन्नुहोस्, पब्लिकलाई दुःख हुँदैन अब कसलाई खानेहरू के खाएर यहाँ यसो रातभरि बसेर काटेर यसो गर्छ अन्त अलिकति अब स्पिक गर्नुपर्छ। दाजु के नाम? मेरो नाम सागर हो। कहाँ घर कहाँ से? गोपीमन। और देख सकते हैं स्थानीय निवासी भी कह रहे हैं यहाँ पे जो घटना घटा है उससे दुखित है और कहीं ना कहीं लोगों को अब असर पड़ने वाला है इसके वजह से। और जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं, आपको बता दें जो यहाँ के एक स्टाफ है जो बता रहे थे कि ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का चोरी का वारदात हुआ है। आपको बता दें ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे चोरी का वारदात हुआ है, पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुका है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे गार्ड होने रखना जरूरी है, नाइट वॉचमैन रखना जरूरी है और यहाँ पे फैसिलिटीज जो है इसे बढ़ाना जरूरी है। और हम सिस्टर से बात करेंगे। सिस्टर गुड मॉर्निंग, अलिकति जानकारी दिनु न के भित्र चोरीहरू भएको छ? यसको जानकारी चाहिँ थानामा दिनुभयो? सुन्नुमा आएको पहिला पनि यसको चोरीहरू भएको छ? यस्तो घटनाहरू बार बार हुँदैछ, प्रशासनबाट केही यहाँ सुरक्षाको मध्यनजर केही हुँदै छैन? लास्ट इयरको कुरा हो नि। दिदीको नाम? और देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुका है, अल्मुनियम फ्रेम वगैरह, एसी, तमाम तरह के सामान यहाँ पे चोरी हो चुका है और ये पहली बार घटना नहीं है। जयगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसे लोग गोपीमोहन हॉस्पिटल या जयगांव हॉस्पिटल के रूप में भी जानते हैं, लेकिन ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे उचित कार्रवाई होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन के तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा, हम अपने कालचीनी के BMOH साहब से मैं कहना चाहूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट के CMOH साहब को बोलना चाहूंगा, सर से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इसे अपग्रेड करने की जरूरत है, 24 आवर्स खुले, यहाँ पे नाइट वॉचमैन हो, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, ताकि केवल इस तरह की घटनाओं से ही नहीं, जितने भी अप्रिय घटना होता है सिक्योरिटी के मद्देनजर यहाँ पे उचित कार्रवाई किया जा सके। मैं इसी अपील के साथ इस समय अलविदा लेना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी और इन जैसे घटनाओं के आरोपी जो चोर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूंगा, फिर किसी और क्षेत्र से फिर जुड़ूंगा। जय हिंद।